हो। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शांति निषाद हत्याकांड का खुलासा हो, शांति हत्याकांड का खुलासा हो। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। शांति हत्याकांड का खुलासा हो, शांति हत्याकांड का खुलासा हो। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शांति निषाद हत्याकांड का खुलासा हो, शांति निषाद हत्याकांड का खुलासा हो। चाहिए प्रशासन मुर्दाबाद। नहीं पूरी क्या ली जाएंगे तो हम लोग बड़े आंदोलन में मजबूर हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसमें सब क्या हुआ है, 10 जुलाई की रात को शांति निषाद को घर से अगवा करके अज्ञात जगह पर ले जा करके उसके साथ दुराचार किया और पहचान जाने के कारण, पहचान छुपाने के कारण उसकी निर्माण हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद इसको पुल के नदी के पुल में डाल दिया गया। हम इसी को लेकर के उनकी माँ 13-14 दिन हो गए क्रमिक अनशन बैठी हैं। यहीं पर जन्माष्टमी मनाया है, यहीं पर हरछठ मनाया है, यहीं पर रक्षाबंधन मनाया है और जब तक इस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़कों में आंदोलन प्रदर्शन आरएसएफ पार करेंगे। हमसे हमको आपसे अनुरोध है जो भी हमारी मांगे हैं होना भाव नहीं है तो हम कौन जेमा को गिरफ्तार जी कितने एक महीने तीन एक महीना दो दिन हो गए मतलब एफआईआर को। ये हमारी निम्न मांगे हैं, इसको पूर्ता पूर्ण किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके खुलासा किया जाए मामले को। मेरा जी थैंक यू, लेकिन तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अगर जल्द नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम लोग सड़कों पे उतारे आएंगे आंदोलन करने। किसका परिचय बताइएगा आप, परिचय बताइएगा, पूछेंगे कि पहले ही से। मेरा नाम सीमा खान है, महिला जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। आप यहाँ पर इस मामले को लेकर के आए हुए हैं, बहुत दिनों से इसमें क्रमिक अनशन चल रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। बार बार मीडिया कवरेज कर रही है और प्रशासन के पास भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले, क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें सीधी सीधी जो बीजेपी की सरकार है उसकी नाकामी है, क्योंकि वो टाइट नहीं है, पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन के ऊपर टाइट नहीं है। अगर टाइट होती तो ये महिलाओं साथ जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होता, क्योंकि उनका सिर्फ नाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं, उनका सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बड़ा करो और उनके सुपुर्द कर दो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पेतकी। इतने दिन से हो गए आप बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं, दरखास्तें भी दिए हैं, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? क्या लगता है? हमको ये लगता है कि कोई हमारी जो है कोई सुनाई नहीं कर रहा है, हम इसीलिए कागज अनशन में बैठे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कागज शांति कांड को जो है खुलासा हमें चाहिए और हमको न्याय चाहिए, अब मुलजिम पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जल्दी से जल्दी हो, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। तो हमारा कहने लोग आपके साथ आ रहे हैं, असल में बैठ रहे हैं, पार्टी के लोग आ रहे हैं, क्या आपको कोई उम्मीद है न्याय की? हाँ, अब उम्मीद का कहते हैं, उम्मीद के लिए तो बैठे हैं, इतने दिन हो गए हैं, उम्मीद का कहते अब भगवान का कहते, हम तो निया के फिक्र बैठे हैं, अब आप बताइए निया मिले।